नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं भतुआ की सब्ज़ी, जिसे हम कहीं कहीं पेठा ही बोलते हैं। तो इसे हम अच्छी तरह छील कर धोकर काट लेंगे। सब्जी काट लिया है, छील लिया है, सब्जी कटा रहा है हाँ? तो देखिए दोस्तों, यहाँ सब्जी हमारी कट गई है। तो इसे हम लोग गाँव में भतुआ बोलते हैं, कहीं कहीं से पेठा ही बोला जाता है। तो यहाँ पर कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, इसमें डालेंगे तेल। तेल को पूरा हम गर्म होने देंगे। तो तेल हमारी गर्म हो गई है, इसमें डालेंगे जीरा, दो लाल मिर्च सूखी। अब इसमें डाल देंगे सब्जी को। जैसे हम चला लेंगे, अच्छी तरह मिला लेंगे। तो दोस्तों, इसे हम चलाएंगे और इसे ढक कर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो इसे हम ढक देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब सब्जी को थोड़ा हम देख लेते हैं। तो देखिए, 5 मिनट तक ले हमने इसे ढका था और लगभग हमारी सब्जी जो है गल चुकी है। इसमें डालेंगे नमक। नमक हम स्वाद के अनुसार डालेंगे। तो दोस्तों, ये सब्जी थोड़ा खट्टी लगती है खाने में, इसका स्वाद थोड़ा खट्टा होता है, लेकिन खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो जब तक हमारी सब्जी भून रही है, उसमें हम मसाला तैयार करते हैं। तो मसाले के लिए हमने लिया है यहाँ पर थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी जीरा, लहसुन और थोड़ा सा हम ये सरसों डालेंगे। इन सबको हम पीस लेंगे। तो इस सब्जी में हम मसाले तो डाल ही रहे हैं, साथ में थोड़ा सरसों भी पीसेंगे। इससे सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है सरसों से। तो दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं सब्जी को हम। तो देखिए, सब्जी हमारी भून चुकी है, इसमें डालेंगे मसाले को। तो देखिए, मैंने यहाँ मसाला पीस लिया है, इसे डालेंगे सब्जी में। हल्का सा पानी भी डाल देंगे धोकर। इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर। तो हल्दी हम थोड़ा सा ही डालेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब मसाले को थोड़ा देर भून लेंगे। बस थोड़ा सा ही भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनेंगे इसको हम। इसे थोड़ा चलाते हुए इसे भूनेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने मसाला भून लिया है। तो मसाले को हमने सिर्फ 2 मिनट के लिए भूना है। तो इसमें हम डालेंगे पानी। पानी हम बहुत ही कम डालेंगे, थोड़ा सा बस। इसे तेज़ आँच पर हम पकाएँगे। तो सब्ज़ी जो है हमारी गल चुकी है, तो ज़्यादा इसे पकने में टाइम नहीं लगेगा, बस मसाले को पकाना है। तो इस तरह हम सब्ज़ी बनाएंगे। तो सब्ज़ी को हम देख लेते हैं। तो देखिए, पानी हमारा सूख गया है सब्ज़ी का। तो दोस्तों, सब्ज़ी हमारी लगभग बन गई है। तो इस तरह सब्ज़ी हम बनाते हैं। तो दोस्तों, भतुआ की सब्ज़ी हमारी बन गई है। जैसे कि हम लोग बार बार बोल रहे हैं भतुआ, लेकिन आप लोग इसे पेठा बोलते होंगे, शायद कहीं कहीं उसे और कुछ कहा जाता होगा। तो इसकी सब्ज़ी हमने बना ली है और ये खाने में थोड़ा
खट्टा टाइप का लगता है लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है इसका स्वाद। तो दोस्तों आज का सब्जी हमारा बन गया है। तो दोस्तों आज की रेसिपी हमारी बन गई है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।